देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो टेंस का सारा चीज़ इसमें यूज हो गया है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में इसमें बात हो रही है। क्वेश्चन ने बोला कि 5 ईयर एगो अ मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पहले एक आदमी जो है अपने बेटे से 7 टाइम्स बड़ा है, यानी कि 7 गुना आयु का है। फिर बोला है क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद में, या आफ्टर भी लिखा जाता है यहाँ पे, द फादर विल बी 3 टाइम्स अ ओल्ड एज हिज सन। जबकि 5 साल बाद जो बाप है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाता है। तो बोला है प्रेजेंट एज निकालिए किसका, बाप और बेटा दोनों का। बाप तो हमेशा बड़ा होता है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, 5 ईयर्स एगो चलते हैं, एगो का मतलब पहले जाते हैं। 5 साल पहले क्या होगा, एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, जबकि बात किया जाए एज ऑफ फादर, तो फादर जो होगा वह 7 गुनी आयु का है, 7x ईयर्स का होगा। यहाँ तक किसी को कोई खोखी खकार नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ सन, यहीं पे आके फंसेगा बच्चा। देखिए, 5 साल पहले उसका एज जो है एक्स ईयर है, तो अभी क्या एज होगा? तो 5 साल पहले एक्स था, तो अभी तो 5 साल बड़ा हो गया होगा वो, जाहिर सी बात है। और ये जाहिल लोग नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दिक्कत है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर, बाबूश्री का एज क्या हो जाएगा? 7x तो 5 साल पहले था, लेकिन अभी तो ये बढ़ गया होगा, तो 7x+5 ईयर्स। सिर्फ कहानी यही सब कहा है अम्मा माई का। बात फिर से करते हैं हम लोग। अब बोला है क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद। अब जो एज होगा, एज ऑफ सन, 5 साल बाद, अभी तो एज ये था, तो 5 साल बाद और 5 साल बड़ा हो जाएगा, और यह इतने साल का हो जाएगा। दैट मीन्स x+10 ईयर्स का हो जाएगा। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एज ऑफ फादर, तो फादर था अभी 7x+5 प्रेजेंट में, 5 साल बाद और 5 साल का हो जाएगा, ठीक है? तो अब एज हो जाएगा 7x+10 ईयर्स, दिक्कत तो नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा का जो अभी एज है x+10 है, जबकि पापा बाबूजी का एज इतना है। बात को समझिए, बाप तो हमेशा बड़ा, बेटा छोटा, तो 3 टाइम्स का जब बात कर रहा है, तो बेटा में हम लोग 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू इतना ईयर्स, ईयर्स ईयर्स कैंसिल। अब हम लोग 3 को x से किए तो मल्टीप्लाई 3x+3 को 10 से किए तो 30 इज इक्वल टू 7x+10। भैयारी भैयारी एक तरफ, अम्मा मानी का भाई एक तरफ, प्लस का 7x इधर है तो माइनस का 7x इज इक्वल टू 10, प्लस का 30 इधर है तो माइनस का 30। दिस इम्प्लाइज माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का आ गया 20। माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, और 4 के टेबल में 5 टाइम्स आ जाता है 20, सो x इज इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू हमें 5 निकल गया, हेंस अतः हम बोल पाएंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x+5, यानी कि 5+5 ईयर्स, यानी कि हो गया 10 ईयर्स, जबकि प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू 7x, तो 7x+5 ईयर्स, यानी कि 7×5=35 और 5=40 साल का बाप हो गया। और यही फाइनल आंसर है। उम्मीद करते वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।